हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोसिक्स जिम। दिस इज मोहम्मद साबिर मोहिद्दीन, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। चलिए आज बात करते हैं प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट क्या लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि प्री वर्कआउट में क्या लेना चाहिए, पोस्ट वर्कआउट में क्या लेना चाहिए, तो उसके रिलेटेड आज हमारी वीडियो बनेगी, तो आप एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करे हैं अभी तक तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बात करते हैं प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट क्या लेना चाहिए। प्री वर्कआउट जो जिम करने से पहले क्या लेना चाहिए और पोस्ट वर्कआउट जिम करने के बाद क्या लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि प्री वर्कआउट बोले तो सिर्फ सप्लीमेंटेशन में प्री वर्कआउट जो रहता है वो लेना है, मगर ऐसा नहीं है। जब कभी भी अगर आप जिम जा रहे हैं तो पहली जिम जाने से एक आधा घंटा पहले क्या लेना चाहिए उससे रिलेटेड, जैसा कि अभी आप अगर जिम जाना चाह रहे हैं तो जिम जाने से पहले मॉर्निंग में अगर जा रहे हैं तो 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइस विथ पीनट बटर, 2 बॉयल्ड एग्स ओनली वाइट और 1 बनाना ऐड कर सकते हैं। तो ये लेने के बाद हाफ एन आवर आपको गैप देना है, जाके आपके बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो जाए और ग्लूकोज आपके पूरे मसल्स को मिल सके, और हो सका तो आप उसमें ग्रीन टी, ब्लैक टी या कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कॉफ़ी ऐड करें तो बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि उसमें कैफीन है, कैफीन आपके जिम जब भी जा रहे हैं तो आपको बूस्ट करता है एनर्जी लेवल को, और आप अगर आधे घंटे में एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं तो 1 आवर करने के लिए आपको बूस्ट करता है। तो ये हो गया आपका प्री वर्कआउट डाइट। अब पोस्ट वर्कआउट रहा, पोस्ट वर्कआउट में क्या लेना चाहिए। जैसा कि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि इमीडिएट जिम जाने के बाद में कुछ ना कुछ लिक्विड आइटम लेना चाहिए, तो अगर आपके पास प्रोटीन अवेलेबल है, वे प्रोटीन, अगर आप मस्कुलरिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं, बॉडी बिल्ड करना चाह रहे हैं, लीन बॉडी, तो आप वे प्रोटीन ऐड करिए। अगर आप साइज गेन करना है, बिगनर है, तो आप मास गेनर कौन सा भी कार्बोहाइड्रेट भी आप लोड कर सकते हैं। इमीडिएट वर्कआउट के विद इन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स आपको बॉडी में शेक लेना है, फिर उसके बाद आपको हाफ एन आवर गैप देने के बाद या 1 आवर गैप देने के बाद में आपको सॉलिड आइटम लेना है, जैसा कि आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं, और चपाती है, 100 ग्राम ऑफ चिकन या 200 ग्राम ऑफ चिकन है, और सलाद है, तो ये चीज़ आपकी डाइट में होना चाहिए। जब कभी भी आप मॉर्निंग में जाए जिम जाओ या इवनिंग में चाहे जिम जाओ, तो प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट आपकी डाइट में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बाकी का आपका डाइट का शेड्यूल क्या है वो आपके डाइटिशियन से या न्यूट्रिशनिस्ट से या आपके जिम के कोई पर्सनल ट्रेनर से या जिम ट्रेनर से आप लेके फॉलो कर सकते हैं। ये तो हो गया प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट, ये कंपलसरी आपको जिम करने से पहले और जिम करने के बाद मेंटेन करना है। अगर आप अभी तक लाइक नहीं करें तो लाइक करिए और शेयर करिए, और कुछ डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब कभी भी नई वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।